चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, चैप्टर नंबर फोर्थ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फोर्थ, जैसे कि आप जानते हैं, मोटिवेशन है, जिसमें हम मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, इंपॉर्टेंस, टेक्निक एंड थ्योरीज। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप सो आपने फर्स्ट चैप्टर से लेकर थर्ड चैप्टर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैंने वीडियो बनाए हैं आपने सारे देख लिए होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इनकेस कोई वीडियो मिस हो गया है तो आप वहां से हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में ही आपके लिए फुल सिलेबस के डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप यही सिलेबस, यही नोट्स जिनसे मैं आपको पढ़ाता हूं, वो आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वो बनाए गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ मोटिवेशन से। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गोल। देखिए, नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल वे में भी एक इंडिविजुअल, एक कॉमन ह्यूमन बींग भी मोटिवेट फील करता है। क्या होता है जब मोटिवेट फील करते हैं? हम अपना बेस्ट देते हैं किसी भी काम में। तो अगर एक मैनेजर अपने वर्कर्स को, स्टाफ को मोटिवेट रखेगा, मोटिवेट करेगा, तो क्या होगा, वर्कर्स अपना बेस्ट देंगे किसी भी गोल को अचीव करने में या किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। सिंपल, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल, मतलब इंड्यूस करना मतलब एनर्जाइज करना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू एक मैनेजर एनर्जाइज करता है अपने एम्प्लॉयज को, स्टाफ मेंबर्स को, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो अपना 100% दे पाएं किसी भी टास्क एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते वक्त। राइट, पूरा बच्चों क्लियर। चलिए, मीनिंग के बाद डेफिनेशन आती है। देखिए, मीनिंग डेफिनेशन में, जैसे मैं हर बार बताता हूँ आपको, मीनिंग आप जो भी उस टॉपिक के बारे में जानते हैं मन से बना के लिख सकते हैं। डेफिनेशन में आपको ऑथर की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, कोट करनी पड़ती है वर्ड टू वर्ड। राइट, अकॉर्डिंग टू क्रिटनर के यहाँ डेफिनेशन है, द टर्म मोटिवेशन रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। देखिए, हो सकता है अगर मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, दो इंडिविजुअल या दो पर्सन या दो स्टूडेंट एक ही वीडियो को देखते हैं, एक बंदा मोटिवेट होता है, दूसरा बंदा मोटिवेट नहीं भी होता है, तो उस वजह से क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। हर इंडिविजुअल एक ही चीज़ से मोटिवेट हो जरूरी नहीं है, दैट गिव्स बिहेवियर, पर्पस एंड डायरेक्शन। अगर इंडिविजुअल मोटिवेट होता है तो उसका बिहेवियर, उसका पर्पस और डायरेक्शन चेंजेस आते हैं, उसका एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। राइट, तो मोटिवेशन क्या है, एक एनर्जाइजिंग फोर्स है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू बिहेवियर में, पर्पस में, डायरेक्शन में किसी भी इंडिविजुअल के चेंजेस देखने को मिलते हैं। राइट, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें, बहुत ही सिंपल वन वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए, साल में एक बार आके अगर मैनेजर वर्कर्स को मोटिवेट करेगा और ये सोचे कि भाई वो साल भर मोटिवेट रहेंगे, तो उसकी सोच गलत है। आपको कंटिन्यूस वे में मोटिवेट होना पड़ता है। जैसे मैं हर वीडियो में आपको मोटिवेट करता हूँ पढ़ने के लिए, या फिर मैं साल में एक बार वीडियो बनाऊं और आपको मोटिवेट करके चले जाऊं, तो आप पूरे साल मोटिवेट नहीं रहेंगे। तो मोटिवेशन भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजर को कंटिन्यूसली हर हफ्ते, हर टास्क, हर गोल के लिए मोटिवेट करना पड़ता है अपने वर्कर्स को। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई एक बंदा मोटिवेशन लेक्चर से मोटिवेट होता है तो दूसरा बंदा रिवॉर्ड, अवार्ड, पैसों से मोटिवेट होता है। इट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। हर कोई मोटिवेट होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसको मोटिवेट करने वाला कोई हो। हम भी YouTube में सर्च करते हैं, गूगल में पढ़ते हैं, या कहीं पर भी कुछ ना कुछ हम पर्सन चाहिए, पीपल चाहिए, हमें कोई टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें। ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी मोटिवेट। जी हाँ, एक ह्यूमन बींग ही मोटिवेट हो सकता है, मटेरियल चीज़ें, नॉन लिविंग चीज़ें मोटिवेट नहीं हो सकती है। मोटिवेशनल टेक्निक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन करने के तरीके पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। एक टीचर है जो आपकी प्रशंसा करके, अप्रिशिएट करके मोटिवेट करता है, दूसरा टीचर है आपके इंसल्ट कर भी आपको मोटिवेट करता है कि भाई तेरे ही जैसा है तेरा फ्रेंड भी, उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, तेरे नहीं आ रहे। तो इससे कई बंदे मोटिवेट हो जाते हैं, यार अगली बार से मुझे सर को दिखाना है अच्छा परफॉर्म करके। तो मोटिवेशन अवार्ड देना भी होता है, मोटिवेशन पनिश करके भी अच्छा परफॉर्म करवाना होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मोटिवेशन होते हैं। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जब भी मोटिवेट फील करता है एक वर्कर, तो वो गोल की तरफ बढ़ता है, अपना 100% देता है किसी भी एक्टिविटी को करते वक्त। सिंपल, चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं आज हम, वो है मोटिवेशन के नीड और इंपॉर्टेंस। ये अच्छे से समझिएगा बच्चा। देखिए,
पहला हेल्प इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स। मोटिवेशन क्या करता है, इंपॉर्टेंस क्यों है मोटिवेशन की? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ने अगर गोल सेट कर लिया है, प्लानिंग कर ली है, तो सबसे मेन टास्क क्या है, वर्कर से वर्क कराना। और वर्कर से वर्क कराने के लिए सबसे बेटर क्या रहेगा कि वर्कर्स को मोटिवेट फील कराया जाए। अगर वर्कर्स मोटिवेट फील करेंगे तो अपना 100% देंगे किसी भी काम को करते वक्त। तो मैनेजर को ज़रूरी है मोटिवेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल वर्कर्स के द्वारा, स्टाफ के द्वारा वो अचीव करवा सके। इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फेक्शन, नॉर्मल सी बात है, अगर एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर, एक सुपीरियर अगर मोटिवेट करता है अपने वर्कर्स को, स्टाफ को, तो वहाँ पर एक वर्कर्स, एक एम्प्लॉय मोटिवेट फील करेगा। ये सोचेगा मन ही मन में कि यार मेरा जो सुपरवाइजर है, मेरा जो बॉस है, मेरा जो सुपीरियर है, वो कितना अच्छा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, मुझे इंस्पायर कर रहा है, मुझे अप्रिशिएट करता है, मेरे अच्छे काम को अप्रिशिएट कर रहा है। तो वो अपने जॉब के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, गोल के बारे में अच्छा फील करेगा। और जब एक वर्कर अपनी कंपनी के बारे में, अपने काम के बारे में अच्छा फील करता है, तो अपना 100% देता है उस काम को करते वक्त। 100% देने से क्या होगा, गोल जल्दी अचीव होंगे। तो कहीं ना कहीं मोटिवेट जॉब सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग दिलाता है एम्प्लॉयज़ में और वर्कर्स में। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, सब ये इंटर रिलेट कर रहे हैं। अगर वर्कर जॉब सेटिस्फाई फील करेगा, सेटिस्फेक्शन फील करेगा, मोटिवेट फील करेगा, तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को खुद के रिसोर्सेज की तरह यूज़ करेगा। वो सोचेगा यार ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें हैं या मेरी चीज़ें, एक ही बात है, मुझे मेक श्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का मैं कम से कम खर्चा कराऊँ, कम से कम वेस्टेज करूँ रिसोर्सेज का। यस और नो? चलिए, फोर्थ है इम्प्रूव्स मोराल। मोराल होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप मोटिवेट फील करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहता है। अगर सुपरवाइजर, सुपीरियर ने आपकी तारीफ करी है, सबके सामने मोटिवेट करा है, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि यार मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कोई अच्छा काम करे और उसको अप्रिसिएशन या मोटिवेशन ना मिले, तो उसका जो मोराल है वो डिक्रीज हो जाता है, इम्प्रूव नहीं होता। लेकिन अगर प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, वो आपके काम में भी दिखता है, वो आपके रिजल्ट में भी दिखता है। राइट, बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। देखिए, कोई भी मैनेजर फंक्शन हो, राइट फ्रॉम द प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो भी आपका मैनेजर फंक्शन है, वो मोटिवेशन के बिना अधूरा है। अनलेस एंड अंटिल टॉप लेवल मोटिवेट फील नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, वो अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाएगा। अनलेस एंड अंटिल अगर जो मिडिल लेवल है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करेगा या मोटिवेट फील नहीं करेगा, तो अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, वैसे जितने भी फंक्शंस हैं वो मोटिवेशन के बिना अधूरे हैं। अनलेस एंड अंटिल आप मोटिवेशन का डोज अपने वर्कर्स, स्टाफ मेंबर्स या फिर टॉप लेवल पर नहीं देंगे, वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करेगा या कोशिश करेगा किसी भी गोल को अचीव करने की। राइट, चलिए, एनहेंसेस कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट क्या होता है बच्चा? कॉर्पोरेट इमेज होता है आपका जो कंपनी की गुडविल है, जो कंपनी की गुडविल है वो इंक्रीज होती है। या फिर देखिए, नॉर्मल सा सब इंटर रिलेट कर रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक वर्कर अगर सेटिस्फाई फील करेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा अपने जॉब के बारे में, अपने काम के बारे में, खुद के बारे में अच्छा फील करेगा, तो कहीं ना कहीं वो जब ऑफिस से बाहर जाएगा या फिर छुट्टी के बाद घर जाएगा, तो अच्छी बातें करेगा अपने ऑफिस के बारे में, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो उससे क्या होगा, कंपनी की जो इमेज है वो अच्छी डेवलप होगी। जो वर्कर होगा वो तारीफ करेगा, मेरा बॉस इतना अच्छा है, मेरा सुपरवाइजर, मेरा सुपीरियर इतना अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो राइट इमेज है वो कन्वे होगी थ्रू आउट द मार्केट, थ्रू आउट द सिटी, थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द कंट्री, जिससे किसी भी कंपनी की जो इमेज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पे, क्योंकि एक सुपरवाइजर, मैनेजर या सुपीरियर ने कोशिश करी, एफर्ट करा वर्कर्स को मोटिवेट रखने की। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये बेसिक से तीन टॉपिक हम आज के वीडियो में देख रहे हैं, जहां पर हमने मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन देखी। नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक दिख रहा होगा, टेक्निक ऑफ मोटिवेशन देखने वाले हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक हम देखने वाले हैं। जब तक बने रहिएगा इस चैनल पे। फुल सिलेबस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।